22 मई 2024 को मुंबई पुलिस को एक फोन जाता है जिसमें पुलिस को बताया जाता है कि गोवा हाईवे सड़क किनारे खून से लथपथ एक बोरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वह जैसे ही उस बोरे को खोलती है तो उससे खून से लथपथ एक लाश निकलती है जिसका चेहरा भी बड़ी बेरहमी से कुचला हुआ था। पुलिस को उस चेहरे की भी पहचान नहीं हो रही थी। आखिर किसकी थी वो लाश? पुलिस के पास ना कोई सबूत, ना कोई गवाह और ना कोई क्लू। आखिर कैसे करेगी पुलिस इस केस का खुलासा? तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी मुंबई की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले, आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर दीजिएगा। फिर पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चलता है कि इस इंसान की हत्या करीब 3 दिन पहले यानी कि 19 मई को बड़ी बेरहमी से पीटने के दौरान हुई है। अब पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस के पास ना कोई गवाह और ना कोई सुराग। अब पुलिस के लिए यह किसी अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। पुलिस आसपास के सभी जगहों पर पूछताछ करती है, सभी दुकानों पर पुलिस को कोई खास सबूत वहाँ पर भी नहीं मिलते। अब पुलिस का ध्यान उस बैग पर जाता है जिस बैग में यह लाश पैक कर और एक बोरे में डाली हुई थी। दरअसल उस बैग पर एक मोहर लगी हुई थी जिस पर पूरी उस दुकान का पूरा एड्रेस और उस जगह की पूरी लोकेशन डली हुई थी। अब फिर पुलिस उस लोकेशन पर जाती है। दरअसल वह बैग पनवेल बाजार के बिग साड़ी से खरीदा गया था। अब पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और वहाँ पर आसपास पर सभी से पूछताछ करती है और करीब उस जगह के 100 सीसीटीवी को खंगालती है। सीसीटीवी में पुलिस को दिखता है कि एक इंसान स्कूटर पर उस बैग को लेकर जा रहा है। अब पुलिस को उस इंसान का फेस तो धीरे धीरे नज़र आ रहा था, पर वह जो स्कूटर होती है उसका नंबर साफ नहीं दिख रहा था। आखिरकार पुलिस की और मुश्किलें बढ़ जाती है। अब पुलिस करे तो क्या करे? आखिरकार पुलिस हक थार कर ड्रम्प डेटा का यूज़ करती है। दरअसल ड्रम्प डेटा एक ऐसी सर्विस है जो कि एक टावर के जरिए उस लोकेशन पर उस रात घटनास्थल पर जितने भी आने वाले नंबर होते हैं उनकी सूचना देती है। पुलिस उसके जरिए करीब 22 मई 2024 के रात 8 बजे के बाद जितने भी नंबर करीब वहां पर आए उन सभी की लोकेशन निकालती है, जिसमें करीब 300 से 400 के करीब नंबर पुलिस को मिलते हैं। अब पुलिस धीरे धीरे उन नंबरों को मिलाती है और उनसे बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद पुलिस को एक नंबर मिलता है जिससे बात करने के बाद पुलिस को उस इंसान पर शक हो जाता है। दरअसल उस इंसान का नाम अनुज भालचंद्र, जो कि माटुंगा का रहने वाला होता है, जो कि उस लोकेशन पर भी उस रात के नंबर वहां पर जो कि था। अब पुलिस धीरे धीरे उसकी कुंडली और ज़्यादा खंगोलती है। पुलिस को पता चलता है कि वह अनुज पनवेल में ही एक ढाबा पड़ता है और ढाबे के पास एक रेस्टोरेंट उसमें काम करता है। पुलिस उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद उसके पास पूछती है और उसको उठाने के बाद उससे धीरे धीरे से पूछताछ करती है, जिसके बाद अनुज भालचंद्र टूट जाता है और वह सच सच बताने लगता है। अनुज बताता है कि जो आपको वह लाश मिली है दरअसल उस लड़के का नाम अभिषेक होता है जो कि मेरे साथ ही इस रेस्टोरेंट में काम करता था। रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान वह एक महिला सफाई कर्मचारी को बड़े उसके साथ छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया था। उसके बाद वह 17 मई को अपना बकाया लेने दोबारा फिर से रेस्टोरेंट में आता है और उस महिला के साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उस महिला कर्मचारी ने इस सब की शिकायत रेस्टोरेंट के मालिक मैनेजर से की, जिसके बाद रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे फिर अगले दिन यानी कि 19 मई को लगभग फिर रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है, जिसके बाद अभिषेक फिर से रेस्टोरेंट में जाता है और फिर उसे सभी पूरा स्टाफ पूछताछ करता है। पूछताछ करने के दौरान अभिषेक से पूरे स्टाफ की हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद अभिषेक को लातों और हाथों से दोनों से बहुत ज़्यादा पीटा गया। पीटने के दौरान स्टाफ को पता लगता है कि अभिषेक को इतना पीटा गया जिससे कि अभिषेक की मौत हो गई। अब पूरा स्टाफ इस बात से डर जाता है।
वह उसको रात को ही अभिषेक को एक फ्रिज में डालते हैं और दूसरे ढाबे पर ले जाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए वह एक टेम्पो को भी बुला लेते हैं। रास्ते में उनको एक पुलिस भी मिलती है। वह पुलिस को यह कहकर टाल देते हैं कि यह फ्रिज ख़राब है, इसको हम ठीक कराने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वह करीब रात के 9 बजे गोवा हाईवे सड़क किनारे जाते हैं और उसको लाश को वहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मुंबई पुलिस को इस केस का खुलासा किया। हमेशा ही मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस हर केस को सुलझाने में कामयाब रही है और ड्रम्प डेटा का भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहता है।